Hello friends, welcome to my channel. I am Akshay Budhwar and you are watching Physics Corner. तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो कि इनिशियल कंडीशंस दिखा रहेगा और सॉल्यूशंस कौन सा है. देखिए ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है. लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जो कंडीशंस पिछले वीडियो में दिया था वो मैंने इरेज किया नहीं. देखिए यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा ये. देखिए तो ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में, तो इसको अपने को पहले तो सोल्यूशन निकालना. देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू y equals to q of x. तो देखिए जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में बैठ रहा है. देखिए यहाँ से p of x निकाल लीजिए, क्या है 4 by x. q of x क्या हो गया x power 4. नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e power integral p of x into dx. तो देखिए e power integral p of x क्या है 4 by x, तो 4 बाहर 1 by x अंतर dx. तो क्या बचा e power 4 into log x. यहाँ पे log x की प्रॉपर्टी लगाना, तो क्या हो गया log x होल पावर 4, e log गेट कैंसल, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू x पावर 4 पावर x पावर 4. तो देखिए x पावर 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया. अब क्या है सीधा y इंटू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x पावर 4 इक्वल्स टू इंटीग्रल q ऑफ x. q ऑफ x क्या है x पावर 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर x पावर 4 dx प्लस c. तो क्या हो गया y इंटू x पावर 4, ये क्या हो गया इंटीग्रल x पावर 8 dx प्लस c. तो क्या हो गया y इंटू x पावर 4, इसका इंटीग्रल क्या हो गया x पावर 9 बाय 9 प्लस c. तो देखिए y x पावर 9 बाय 9, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है x पावर 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया प्लस c अपॉन x पावर 4. तो क्या हो गया x पावर 5 बाय 9 प्लस c अपॉन x पावर 4. ये क्या हो गया सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो देखिए पहली कंडीशन क्या है, y की वैल्यू 0 जबकि x की वैल्यू क्या रहेंगी, सॉरी y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 0. तो देखिए y की वैल्यू 1 x की वैल्यू क्या है 0, 0 बाय 9 0 प्लस c 1 बाय, देखिए c बाय 0 c बाय 0 इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 0 प्लस c बार 1 बाय 0 1 बाय 0 यानी क्या इन्फिनिटी, देयरफॉर 1 इक्वल्स टू इन्फिनिटी आ रहा है 1 equals to infinity. तो जो कि initial condition ये satisfied नहीं कर रहा है, initial condition satisfied नहीं कर रहा है यानी क्या no solution, no solution, no solution. और देखिए second case क्या है, y of 1 equals to 1, y of 1 equals to 1, y की value 1 और x की value भी 1. तो देखिए इसमें put करना है अपने को y की value 1, x की value 1, इसमें put करना है x की value 1, 1 by 9 plus c x value 1 यानी कि 1, therefore c equals to 1 minus 1 by 9, therefore c equals to क्या हो गया फिर 8 by 9. ओके कंडीशन सेटिस्फाइड होगी और c की वैल्यू क्या है फिक्स, कंडीशन सेटिस्फाइड और c की वैल्यू क्या है फिक्स, therefore which solution exist unique solution, which solution exist unique solution. ये बहुत ही सिंपल था, पहली केस में वो कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, यहाँ पे क्या हुआ था कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, यहाँ पे क्या हो गया कंडीशन सेटिस्फाइड वैल्यू फिक्स, तो यूनिक सॉल्यूशन. ओके थैंक यू बाय.